14 तारीख से 30 तारीख तक इनके सोए हुए जहन कभी जागे नहीं। 30 तारीख के बाद जैसे ही इन्हें पता चलता है कि जो हाथरस की बिटिया है वो दलित परिवार से है, तब देखिए एक्टिवेट ये कैसे होते हैं। तीन चीजें हैं, पहले वो लोग एक्टिवेट हो जाते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में टारगेट में है, माफिया ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुस्तान को टेररिज्म में आगे आके उमारना चाहते। दूसरे वो लोग जो PFI जिन्होंने आज दिल्ली में CA के प्रदर्शन में लोगों को बरगलाया, भड़काया और दंगे भड़काए, वो इनसाइट राइज करने के लिए दोबारा एक बार एक्टिवेट हो जाते हैं। तीसरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्हें पता था कि उनकी राजनीति तितर बितर हो चुकी है, आज वो अपॉर्चुनिस्टिक बन जाते हैं और अपनी गाड़ी का रुख घुमा लेते हैं हाथरस की तरफ, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उनकी फैली हुई राजनीति थी, बिखरी हुई राजनीति थी, आज उसको समाज में।